हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने CTM कर रखा है, अब हम प्राइमर यूज़ करेंगे। जो मैंने प्राइमर यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो का किया है, और दूसरा जो है वो डाइनो ऑफ लंदन का मैटिफाइव जेल प्राइमर है, इसे मैंने गालों पे लगाया है। और बाकी फेस पे मैंने मेकअप स्टूडियो का प्राइमर यूज़ किया है, ठीक है। और इसके लगाने के बाद हमें 2 मिनट का टाइम देना होता है। हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें 2 मिनट का हमें टाइम देना चाहिए अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाने के लिए। अब हम कलर करेक्शन करेंगे। मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है, जहाँ पे भी हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है फेस पे, उस पे वहाँ पे हमें ये लगा लेना है। और इसे और वहीं पर ही ब्लेंड करना होता है जहाँ पे हमने लगाया है, इसे पूरे फेस पे नहीं करना है, ठीक है। अब हमें इससे इसके बाद हमें कंसीलर यूज़ करना है, जो हमारे स्किन टोन से 2 शेड डार्क होता है, ठीक है। उसको भी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक ब्रश की मदद से, एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से डैप कर लेंगे। डैप डैप करके लगाएंगे करेंगे। और अब मैंने फाउंडेशन जो यूज़ किया है, मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो मेबलिन का किया है। ये मैट होता है तो ऑयली स्किन पे अच्छे से काम करेगा। समर के लिए बहुत अच्छा है। अगर विंटर में आप इसे यूज़ करते हो तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हो इसके साथ, एक या दो ड्रॉप डाल के, ठीक है। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, यानी तो ड्राई होने के बाद ये ब्लेंड नहीं होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। अगर हम मेकअप अब प्रोडक्ट्स अगर हम कम लेंगे तो हमारा जो मेकअप होता है वो काला दिखने लगता है। अगर ज़्यादा लेंगे तो केकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक लगता है। तो हमें कम ही लेने, क्योंकि काफ़ी कुछ हम लगाते हैं अपने फेस पे। तो मैंने 2 ही पंप लिए थे फाउंडेशन के। अब हम कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग देख लीजिए आप किस तरीके से कैसे करना है। आपको मैंने अच्छे से सब कुछ करके दिखाए। हम नोज़ कंटूरिंग देख लीजिए कहाँ से लेके आते हैं, कैसे करते हैं नोज़ कंटूर। अच्छे से हमने स्लो करके वीडियो आपको दिखाया है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। हमें ब्लेंडर देखो किस तरीके से ऊपर की तरफ करके हमें गालों पे जो लगाया हमने कंटूरिंग कर रहे हैं उसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करना होता है। फिर हम दोबारा कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कंसीलर ये 2 शेड लाइट होता है, तो ये भी हाईलाइटिंग का काम करता है। तो इसे भी इस तरीके से लगा लीजिए ये, ठीक है। हमें 2 शेड लाइट लेना होता है कंसीलर, और ब्लेंड कर लेंगे। आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। अब उसके बाद मैंने जो लूज़ पाउडर यूज़ किया है वो क्राइलोन का किया है, ठीक है। अच्छे से पहले डैप कर लेंगे जहाँ पे हमें पाउडर अप्लाई करना है। फिर हल्के हल्के हमें फ्लफी ब्रश से अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अभी जो एक्स्ट्रा जो मैं लगा रही हूँ, ये जो काम कर रही हूँ, ये बेकिंग करना बोलते हैं इसे। इस तरीके से आप थोड़ा एक्स्ट्रा पाउडर जो है ऐसे लगाते हैं, क्योंकि अब मुझे आई मेकअप करना है, तो ताकि जो भी हम लगाते हैं आई मेकअप के लिए ग्लिटर वगैरह गिरता है तो उसको साफ़ कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब हम आई मेकअप कर रहे हैं। मैंने थ्रेडिंग कर ली है, फिल कर लिया उसको। उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप वो देख लीजिए। अब मैंने कंसीलर लगाया आई पे और उसके बाद पाउडर से सेट किया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने आई मेकअप अपना कर लिया है। ये मैंने ब्लू किया है आई मेकअप, लैशेस लगा लिया है, काजल लगा लिया है। अब
अब मैं ब्रश से स्मच कर रही हूँ। मैंने मस्कारा लगाया है, काजल लगाया है, जो काजल ये जो लगाया है मैंने मेबलिन का लगाया है। अब मैं थोड़ा ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो ब्रश है वो मैंने आई मैजिक में से ही लिया है और इसी में से ही मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है। अब हम लिप लाइनर लगाएंगे। लिप लाइनर जो पेंसिल जो यूज़ की है वो स्विस ब्यूटी की है। इसे अच्छे से हम लाइन ड्रॉप कर लेंगे अपनी लिप की। और उसके बाद जो मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है वो मैं हांडियान की पैलेट से यूज़ करी है और मैंने कलर बार का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है। मेरा मेकअप डन हो गया है। आपको मेरा मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉच मी।